ये किसी त्यौहार से कम नहीं लग रहा है। ये जो भी नागपुर को सजाया गया है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही रहना चाहिए सालों साल, हमेशा के लिए। और ये जो बदलाव है, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरा जन्म नागपुर में ही हुआ है, नागपुर की सभी सड़कों से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी जगमगाहट और इतनी रोशनी इससे पहले कभी नहीं देखी। तो मैं चाहता हूँ कि G20 के मार्फत ये जो किया गया है नागपुर का कायापलट, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हमेशा रहे। और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। 2 दिन से मैं घूम रही हूँ नागपुर पे और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। मेट्रो के जो पुल्स है वहाँ पर अभी हाथी वगैरह शिवाजी का मंदिर बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। और ये जो लाइटिंग लगी है सारे झाड़ों को और पुल्स वगैरह पे, तो वो कभी नहीं निकलनी चाहिए। इस साल जो ये G20 के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सब अपने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो ये आइडिया दिया है डेकोरेट करने के लिए, बाहर से लोग आ रहे हैं नागपुर को देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में और अपने आइडियाज बढ़ाएंगे। काफ़ी सारा अच्छा डेकोरेट किया है, लाइक अ पिकनिक स्पॉट, मतलब बता ही नहीं सकते इतने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग तो सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है ये सब, और हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये जो आइडिया है और एक्सटेंड होना चाहिए, बाकी सारे स्क्वायर्स भी सजाना चाहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से तो ये। थैंक यू सो मच PM नरेंद्र मोदी जी हमारे नागपुर को इतना डेवलप करने के लिए, और इतना अच्छा, मतलब हमारे लिए एक अप्रिसिएशन है ये नागपुर।